नमस्कार, मैं आमिर। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना काल में शैक्षणिक व्यवस्था बेपटरी हो गई थी, सभी स्कूल शिक्षण संस्थान बंद होते जा रहे थे। शैक्षणिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था, वही अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं और शैक्षणिक व्यवस्था फिर से पटरी पर आ रही है। जनजीवन सामान्य हो रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कटिहार के चिलमारा में संपूर्ण स्कूल का विधिवत उद्घाटन कटिहार के प्रखंड प्रमुख निशा सिंह और समाज सेवी चंदन सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। चलिए, और यहाँ पे अब रिबन काटकर स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए इनका। और वही इस अवसर पर समाज सेवी चंदन सिंह ने बताया कि स्कूल का उद्घाटन किया गया जी। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर निशा सिंह प्रखंड प्रमुख सदर के द्वारा स्कूल का विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। नियम संगत रूप से बस चिलमारा गांव है, हमारे ढेरिया पंचायत में चिलमारा गांव, बगल में छोटी चिलमारा भी पड़ता है, बगल में उधामा रेखा गांव भी है। इन सब इलाकों को जोड़ के परतैली गांव है बगल में। सब इन सब इलाकों के बच्चे को काफ़ी इस स्कूल से शिक्षा तालीम दिलाने के लिए इस स्कूल का मतलब आगमन किया गया है। आज आपको शुभकामनाएं। चंदन कुमार सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि। संपूर्ण शिक्षा स्कूल का उद्घाटन किया गया, संपूर्ण का पूरा अर्थ बताएं। फुल्ली एजुकेशन, टोटल एजुकेशन। यहाँ पर खुलने का मकसद? मकसद यह है कि यहाँ के दिहाड़ी मजदूर और पसमानदा समाज के पिछड़ी जाति के बच्चों को तालीम देना, शिक्षा देना। कितने वर्ग के लोग बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? यहाँ 6 साल की उम्र से शुरू होगी बच्चे का, जो हमारी गाइडलाइन है हमारे बिहार सरकार की, सेंट्रल सरकार की, उसके मुताबिक हम लोग यहाँ बच्चों को तालीम देंगे। आपका मकसद क्या है? मकसद हमारा उन बच्चों को तालीम देके राष्ट्र से जोड़ना है और उनको बेहतर भविष्य बनाना है। उसमें कोरोना संक्रमण में आप कोचिंग का उद्घाटन है, इसको लेकर आपने क्या सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कोचिंग खोलने के बाद? खोलने के बाद मैं उसको लेगी, आपको सुरक्षा प्रदान कीजिएगा ना बच्चे को? मैं सुरक्षा उसको 5 फीट दूर के साथ, मास्क के साथ, और उनको जो है बेहतर ट्रेनिंग के साथ उसको हम तालीम देंगे। अपने क्षेत्र के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे? मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि वो बेझिझक वो तालीम लेने के लिए आए यहाँ, और उनकी जो कमी है वो शिक्षक के साथ मैंने डील करें। इस इलाके में और भी कई शिक्षक संस्थानें होंगी, तो ऐसा क्या है जो आपके स्कूल संस्थान में आए बच्चे? मैं बच्चों को क्या फैसिलिटीज दिए? फैसिलिटी प्रशिक्षित करूँगा उसको, मेरा ये फैसिलिटी है। मैं उसको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं प्रशिक्षित करें ताकि वो हर क्षेत्र में आगे जो है वो मुकाम हासिल करें। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकराम उल हक, रिसर्च स्कॉलर BNM मधेपुरा। प्रिंसिपल साहब, कहाँ पर खुला गया स्कूल का उद्घाटन? कहाँ पर? ये चिलमारा हफला रोड में खुला गया है। यहाँ पर खुलने का मकसद क्या? यहाँ का मकसद यही है कि हम लोग ने एक ये संपूर्ण शिक्षा स्कूल 10 में DS कॉलेज के आगे रखा। वहाँ पर जब यहाँ शिक्षा वहाँ दे रहा था तो यहाँ के बच्चे लोग जो है वहाँ जाने के काबिल नहीं थे, बहुत गरीब तबके के थे, तो मैंने सोचा कि उसके नज़दीकी एक संस्थान संपूर्ण शिक्षा स्कूल Branch 2 खोला जाए ताकि बच्चे अच्छा से तालीम हासिल कर सकें। मोहम्मद एहतसामुर रहमान, प्रिंसिपल संपूर्ण शिक्षा स्कूल।